हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 24 झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में झारखंड के हर छोटे बड़े शिक्षा और भर्तियों से संबंधित समाचार संकलन को लेकर आया हूं। दोस्तों, झारखंड बोर्ड क्लास 9, 10, 11, 12 CBSE बोर्ड के 10th आकांक्षा 40 रांची यूनिवर्सिटी के एग्जाम और स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत से लेटेस्ट न्यूज लेकर आया हूँ, इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, राइट? दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, राइट? तो दोस्तों, विलंब नहीं करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के हर छोटे बड़े शिक्षा भर्तियों और स्कॉलरशिप से रिलेटेड समाचार को पूरा डिटेल से देखते हैं। दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के क्लास 9, 10, 11 और 12 के स्टूडेंट के एग्जाम को लेकर के कुछ लेटेस्ट न्यूज आया है और यह न्यूज आज के प्रभात खबर समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुआ है। और इसमें जो प्रकाशित हुआ है कि राज्य के 16 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा पर कोरोना ने लगाया ब्रेक, परीक्षाओं पर जून के पहले हफ्ते में लिया जाएगा निर्णय, कक्षा माह बाद देनी पड़ सकती है परीक्षा और कक्षा 8 के बच्चे सीधे हुए प्रमोट। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डॉट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डॉट नट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपके क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डॉट नट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डॉट नट ऐप पर। साथ ही आप डॉट नट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, आनी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नट ऐप इंस्टॉल कीजिए। अब इसे हम लोग पूरा डिटेल से देखें तो प्रमुख संवाददाता रांची, कोरोना के कारण राज्य के 16 लाख से अधिक विद्यार्थियों की परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। मैट्रिक, इंटर समेत कक्षा 9 व 11वीं के बोर्ड परीक्षार्थी परीक्षा पर अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य में मदरसा, मध्यमा व इंटरमीडिएट वोकेशनल समेत झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाने वाली शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा भी नहीं हो पाई है। अब इन परीक्षाओं पर जून के प्रथम सप्ताह में निर्णय लिया जाएगा। वर्ष 2021 की मैट्रिक परीक्षा में 4,32,000, इंटरमीडिएट परीक्षा में 3,31,000, कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा में 4,50,000 और कक्षा 11 के परीक्षा में 3,51,000 परीक्षार्थियों को शामिल होना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई थी। 4 मई से मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रस्तावित थी, वहीं जून में कक्षा 9 व 11वीं की परीक्षा होनी थी, परंतु कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी परीक्षाओं को अगले निर्णय तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मैट्रिक व इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा को बीच में ही रोक दिया गया। अब इस पर निर्णय जून के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है। आगे परीक्षाओं पर जून के पहले हफ्ते में लिया जाएगा निर्णय। मैट्रिक और इंटर के साथ साथ 9वीं 11वीं की बोर्ड परीक्षा पर लिया जाना है निर्णय और मदरसा, मध्यमा, इंटरमीडिएट वोकेशनल व शिक्षक प्रशिक्षण की भी नहीं हुई परीक्षा, 6 माह बाद देनी पड़ सकती है परीक्षा। कोरोना के कारण समय पर परीक्षा नहीं होने के कारण कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद भी अगली कक्षा में प्रमोट नहीं हो पाए हैं। वर्तमान शैक्षणिक सत्र का दूसरा माह बीतने को है, ऐसे में अगर जुलाई अगस्त में परीक्षा ली जाती है तो लगभग 6 माह बाद इन परीक्षार्थियों को मैट्रिक इंटर की परीक्षा में शामिल होना होगा। अगला न्यूज है कक्षा 8 के बच्चों के लिए और इसमें न्यूज ये है कि कक्षा 8 के बच्चे सीधे हुए प्रमोट। राज्य में कक्षा 8 में भी बोर्ड परीक्षा का प्रावधान है, परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाती है, परंतु इस वर्ष कोरोना को देखते हुए कक्षा 8 के बच्चों को सीधे अगली कक्षा में प्रमोट किया गया। उल्लेखनीय है कि राज्य में 17 मार्च 2020 से विद्यालय बंद है एवं कक्षा 8 तक की कक्षाएं अब तक शुरू नहीं हो पाई है। कोविड-19 के कारण राज्य में लगातार दूसरे वर्ष कक्षा 1 से 7 तक के बच्चों को बिना परीक्षा के
अगली कक्षा में प्रमोट किया गया है। पिछले वर्ष भी परीक्षा नहीं हो पाई थी। दोस्तों अगला न्यूज है कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन को लेकर के। अगर आप कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन कराना चाहते हैं तो डीएससी ऑफिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.dsc.ranchi.com पर जाकर के जो फॉर्म है उसे डाउनलोड करके हाथ से लिख करके और जो ड्रॉप बॉक्स बनाया गया है वहां पर जाकर के डाल देना होगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका नामांकन कस्तूरबा विद्यालय में हो जाएगा। अगला न्यूज है आकांक्षा 40 के लिए और इसमें 14,000 आवेदन पत्र जमा हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की निशुल्क कोचिंग आकांक्षा 40 प्रवेश परीक्षा के लिए लगभग 14,000 आवेदन आए हैं। इसकी परीक्षा मैट्रिक परीक्षा के बाद ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि मैट्रिक की परीक्षा 4 मई से प्रस्तावित थी लेकिन कोविड-19 के संक्रमण के कारण इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। मैट्रिक की परीक्षा कब ली जाएगी इस पर निर्णय जून के प्रथम सप्ताह में लिया जाएगा। और आकांक्षा 40 की प्रवेश परीक्षा में झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेता है और इसमें मैट्रिक की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी ही शामिल होते हैं। अगला न्यूज है शिक्षा से रिलेटेड कि पोशाक और किताब कॉपी की राशि बढ़ाई जाएगी। राज्य के हाई स्कूल व प्लस टू विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार द्वारा निःशुल्क पोशाक किताब व कॉपी उपलब्ध कराया जाता है। इस वर्ष से इसके लिए दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की तैयारी है। छात्राओं को अभी ₹1,550 दिए जाते हैं। इसे बढ़ाने की तैयारी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा की जा रही है। बाजार दर के अनुरूप राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। कक्षा 9 से 12वीं तक में लगभग 4,00,000 छात्राएं नामांकित हैं। इसके लिए बजट में राशि का भी प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगला न्यूज है रांची विश्वविद्यालय के छात्रों को लेकर के और इसमें यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र ऑफलाइन भर सकते हैं फॉर्म। जो भी छात्र कैफे बंद होने के कारण ऑनलाइन आवेदन नहीं भर पा रहे हैं वैसे छात्र अपने परीक्षा फॉर्म को अपने कॉलेज में जा कर के भर सकते हैं। और इसमें लगभग 45,000 विद्यार्थी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ते हैं और उन ग्रामीण क्षेत्रों में कैफे मौजूद नहीं है जिसके कारण छात्रों को रांची विश्वविद्यालय के सेमेस्टर एग्जाम का फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है। तो ऐसे छात्रों को ऑफलाइन फॉर्म भरने की यह सुविधा दी गई है। अगला न्यूज है CBSE क्लास 10th बोर्ड को लेकर के और इसमें न्यूज है कि 20 के बाद स्कूल असेसमेंट का होगा निरीक्षण। 15 मई तक स्कूलों को असेसमेंट की प्रक्रिया पूरी करनी थी जबकि कोरोना लॉकडाउन से यह प्रभावित हुआ है। ऐसे में स्कूलों को 20 मई तक मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी करने का समय दिया गया है। और दोस्तों 20 मई के बाद मूल्यांकन कमेटी में शामिल CBSE के 2 निरीक्षक स्कूल पहुंचकर मार्क्स की जांच करेंगे। ये निरीक्षक स्कूल के 1 से 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित CBSE स्कूलों में होंगे। आगे जो देखते हैं हम लोग कि ई परीक्षा पोर्टल का दिया जाएगा लिंक। स्कूलों द्वारा रिजल्ट तैयार करने के बाद CBSE परीक्षा का लिंक देगा। इस लिंक के जरिए ही स्कूल अपने विद्यार्थियों का मार्क्स बोर्ड को उपलब्ध करा सकेंगे। दोस्तों अगला न्यूज है झारखंड के छात्रों के स्कॉलरशिप को लेकर के और इसमें जो छपा है कि छात्रवृत्ति के लिए करना होगा इंतजार। राज्य के 1,80,000 स्कूली बच्चों को अभी छात्रवृत्ति के लिए इंतजार करना होगा। कोविड-19 के संक्रमण के कारण जिलों से बच्चों के बारे में जानकारी झारखंड शिक्षा परियोजना को नहीं भेजी गई है। इस कारण अभी बच्चों के खाता में छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफर नहीं की जा सकी है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा सभी जिलों से 15 मई तक बच्चों की आधार संख्या बैंक खाता व अनावश्यक जानकारी देने को कहा गया था परंतु तिथि समाप्त होने के बाद भी किसी भी जिला से कोई जानकारी झारखंड शिक्षा परियोजना को नहीं भेजी गई है। और इसमें जो है कि ये जो राशि दी जानी है छात्रवृत्ति की यह 10 माह के लिए दी जाएगी। और इसमें जो रिपोर्ट भेजने में परेशानी हो रही है ये लॉकडाउन होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं जिसके कारण बच्चों के खाता संख्या या फिर अन्य डिटेल ये नहीं भेजा जा रहा है।
अगला न्यूज है रांची विश्वविद्यालय के LLB के छात्रों के लिए, और इसमें जो न्यूज है कि LLB सेमेस्टर 3 और 5 का रिजल्ट जारी। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलने वाले LLB सेमेस्टर 3 और 5 का रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिया गया। इसकी परीक्षा मार्च में हुई थी। विद्यार्थी रांची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। और साथ ही साथ रांची का एक और न्यूज है शिक्षा से संबंधित कि 23 तक बढ़ाई नामांकन प्रक्रिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए संत जेवियर स्कूल में 11वीं के लिए नामांकन की तिथि बढ़ा दी गई है। प्राचार्य फादर संजय ने बताया कि स्कूल में साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स तीनों संकाय के लिए नामांकन फॉर्म ऑनलाइन 23 मई तक दिया जाएगा। उसी दिन स्कूल की वेबसाइट पर नामांकन परीक्षा की जानकारी दी जाएगी और 27 मई को ऑनलाइन परीक्षा परिणाम घोषित होगा। तो दोस्तों, ये था झारखंड का शिक्षा, रोजगार और छात्रवृत्ति को लेकर के कुछ लेटेस्ट न्यूज। अगर आप इसी तरह से झारखंड के शिक्षा, रोजगार और स्कॉलरशिप इत्यादि से रिलेटेड समाचार से अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो हमारे इस Study24 झारखंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।